गाइस पता है काफी दफा ऐसा होता है कि मेरा मन करता है कि कुछ वीडियो में मतलब थंबनेल और टाइटल में कुछ बताऊं ना, और थंबनेल में सिर्फ मेरा प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा ऐसा हो और टाइटल में हो कि टुडे इज वेरी ब्यूटीफुल डे या फिर आज तो मजा आ गया ऐसा कुछ हो, और फिर अचानक से मैं आपको सरप्राइज दूं वीडियो में कि ये देखो आज मैं कहां हूं और क्या करने वाला हूं। लेकिन वही बात है कि मुझे पता है व्यूज फिर मिलेगा नहीं, थंबनेल और टाइटल में डालना जरूरी है कि क्या बेहतरीन चीज मैं करने जा रहा हूं, क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, जिसकी वजह से सरप्राइज दे नहीं पाता हूं। लेकिन वो भी एक दिन आएगा जब व्यूज के पंगे हो गए नहीं और कुछ भी मैं डालूंगा थंबनेल हो या टाइटल, तो मुझे पता है कि आप क्लिक जरूर करोगे कि ये प्रतीक जैन का वीडियो है, तो कुछ तो होगा ही दम। तो गाइस सच बताओ तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इस वक्त मैं हूँ मुंबई के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में मुंबई, और आप देख पा रहे हो ब्यूटीफुल सी पीछे से इतनी बड़ी इतनी शानदार कॉर्डिलिया एक्सप्रेस एम्प्रेस क्रूज, नॉट एक्सप्रेस एम्प्रेस क्रूज, बहुत ही शानदार है। तो जैसे ही बोर्डिंग वगैरह कम्प्लीट होता है तो ये मिलता है एक क्रेडिट कार्ड जैसा आप बोल सकते हो, जिसमें ये मेरा रूम की है बेसिकली सब कुछ है, इसमें मैं कुछ भी बैलेंस रिचार्ज भरा के कुछ भी अंदर कसिनो में खेल सकता हूँ या फिर ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज हार्ड ड्रिंक्स और कसिनो ये मेरे को पेमेंट करना ही पड़ेगा, या फिर शॉपिंग मॉल है अंदर शॉपिंग कर सकता हूँ, बाकी तो सब कुछ अनलिमिटेड फ्री है। 2 नाइट 3 डेज का मेरा जर्नी है, जो भी है जैसा भी है एक बार अंदर चलते फिर मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे बुक करा है, क्या किया है और बेसिकली ये क्या शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। एकदम जैक वाला फीलिंग आ रहा है, टाइटैनिक वाला। सो आते ही एक तो वेलकम ड्रिंक का अवसर मिला, ऊपर से ये मोहतरमा मिली अपर डेक पे जो कि लिफ्ट से जैसे ही मैं आया तो उन्होंने मुझे मोहतरमा मिली, उन्होंने बोला की कसिनो के मैं आपको फ्री में कूपन देना चाहती हूँ। मैंने बोला फ्री में? अरे इंडियन को फ्री में नाम सुनते ही क्यों नहीं पसंद आएगा, मैंने बोला दे दीजिए। तो इन्होंने 2 कूपन्स दिए मुझे $5 के, उन्होंने कहा कि $10 आपके लिए फ्री में, आप कसिनो कभी भी आइए और यू नो यू कैन एंजॉय। लेकिन फिर मैंने जैसे ही रिकॉर्डिंग करना चालू किया उन्होंने बोला कि एक मिनट $10 आपको पे करना पड़ेगा पहले, उसके ऊपर आपको $10 पे करो तो $20 आपको खेलने मिलेगा। मतलब वाह क्या बात है। चलो एनीवेज अपर डेक पे आया हूँ अभी और मैं आपको अभी नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस स्विमिंग पूल की हालत ठीक नहीं लग रही है मेरे हिसाब से, सब हो जाएगा जब तक ये क्रूज रवाना होगी। शाम की 5 बजे की टाइमिंग है इस क्रूज की रवाना होने की। ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा व्यू बता रहा हूँ आपको, फिर वापस नीचे जाते हैं रूम में एक बार चले जाते हैं सेटल हो जाते हैं ना। अभी 7वें माले पे आ गया हूँ बिकॉज मेरा रूम है 7th फ्लोर पे। अब जो मैं डेक पे था वो था 10th फ्लोर, बेसिकली 10th फ्लोर है, मतलब मान लो 13-14 माला पक्की बात है क्योंकि हाइट वगैरह वो ज्यादा है इसलिए। तो फाइनली अपने रूम में पहुंच गया, इनफैक्ट बेड पे जोर से जंप भी कर दिया और अनुभव कर रहा हूँ वो बचपना जो कि हर कोई करता है, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, अगर कोई 5-स्टार 4-स्टार फिर ऐसी जगह पे आता है ऐसा बचपना जरूर करता है। खैर बचपना हमें ज़्यादा बढ़ाना नहीं है और बैक टू द टॉपिक आते हैं। पहले मैं सबसे पहले रूम बताता हूँ, ये इंटीरियर रूम है, 3 टाइप के रूम्स होते हैं ये कॉर्डिलिया क्रूज में। फर्स्ट है इंटीरियर जो कि सस्ता रहता है, मतलब जैसे कि 2 नाइट 3 डेज पैकेज है, तो जैसे कि ये जो ट्रिप है इसका कॉस्टिंग है इंटीरियर का पर पर्सन 26,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस GST VST सब मिला के, और अगर 2 जन रहते तो मेरे हिसाब से 40
42,000 होता है, जिसकी वजह से पर पर्सन 21,000 के आसपास ही पड़ता है, क्योंकि चाहे एक हो कि दो, रूम तो एक ही मिलना है ना। तो इसमें मतलब कैसा है, दो जन जाओगे या कपल जाओगे तो सस्ता ज्यादा पड़ेगा, और अकेला जाओगे, जैसे मैं अकेला हूँ, सोलो ट्रैवलर हूँ, तो 26,000 की टिकट है। और सेकेंड रूम कैटेगरी होती है वो बीच ओशन व्यू होती है, या इंटीरियर अंदर साइड है, इसमें खिड़की विड़की ऐसा कुछ नहीं है कि ओशन दिखे। सेकेंड है वो है तकरीबन 32,000 या 33,000, 34,000 रुपए के आसपास। और थर्ड कैटेगरी है स्वीट, उसका रेट तकरीबन 1,00,000 रुपए के आसपास है। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज होती है। खैर तो अभी ये रूम देख लो आप, मैं आपको रूम टूर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मिरर है, आप हाय ऐसा बोल सकते हो मिरर में खुद को। और उसके बाद ये छोटा सा प्यारा सा रूम है, मेरे को क्लीनलीनेस के मामले में अच्छा लगा, नो डाउट। फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को जो क्लीनलीनेस और यहाँ पे जो एयर कंडीशन, जो हवा आ रही है, सब परफेक्ट लग रहा है। अच्छा टीवी भी है क्या? ये तो मैंने अभी देखा। खैर यहाँ पे आपको, ये तो मेरा कार्ड है जो मैंने पहले बताया था, और यहाँ पे कॉर्डेलिया टुडे का आपको ये वाउचर मिलेगा, जिसमें सारी चीज़ें पता चलेगी कि आज क्या क्या प्रोग्राम्स है। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आप 26,000 वगैरह पे कर रहे हो तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ये ऑर्गेनाइज करते। तो ये है बेड, और बस अनऑर्गेनाइज तरीके से मैंने सामान थोड़ा सा ढंग करके फेंक दिया। और वॉशरूम मुझे अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वॉशरूम इज नाइस क्लीन और अच्छा लगा मुझे। इम्प्रेस हुआ हूँ मैं ये चीज़ से, एम्प्रेस से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। इस शिप को एम्प्रेस बोलते। अच्छा अब बात करते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बुक करने के लिए, या फिर एंटर करने के लिए, या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए ये कॉर्डेलिया क्रूज के लिए। तो सबसे पहले आपका फुल्ली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपके दोनों डोजेस होने चाहिए, चाहे वो कोवैक्सीन के हो कि कोविशील्ड के लिए हो, इसमें कोई पंगा नहीं है ऐसा। दूसरी चीज होती है कि 48 आवर्स प्रायर आपकी कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए बस। इसके अलावा आपका कोई आईडी, जैसे पासपोर्ट हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया, ये चल जाएगा दोनों में से, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये तीन में से कोई भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो कैसा रहता है कि अगर ये कॉर्डेलिया क्रूज अगर आपको जाना है, आपको पता है ये वही क्रूज है जो बहुत चर्चित थी, बहुत न्यूज में थी, बहुत सुर्खियों में थी, और काफी सारा क्रिटिसाइज, तो मेरे को नहीं लगता है क्रूज कंपनी को कुछ हुआ, बाकी बहुत लोगों को हुआ क्रिटिसाइज वगैरह। खैर तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये क्रूज वगैरह आपको एक्सपीरियंस करना है तो क्या होता है ना, आपको बुकिंग्स करनी पड़ती है, कॉर्डेलिया से आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छे रेट्स में चाहिए, बिकॉज मैं खुद एक बजट ट्रैवलर हूँ, अगर कुछ भी एक्सपीरियंस करूंगा तो जाहिर सी बात है जहां बेस्ट और बजट ऑप्शन मिलेगा वही जाओगा। तो एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, और मैं नंबर भी, फोन नंबर भी दे देता हूँ। स्पेसशिप कंपनी का नाम है, मुंबई गोवा, मुंबई होता है ट्रिप 3 नाइट 4 डेज बेसिकली, लक्षद्वीप होता है 5 नाइट 6 डेज। तो काफी सारे पैकेजेस होते हैं कोची के लिए, दीव के लिए, काफी सारे आपको पैकेजेस मिल जाएंगे कॉर्डेलिया के, या फिर अलग क्रूज के भी, काफी सारे क्रूज और से भी इनका टाई अप है, स्पेसशिप करके कंपनी का नाम है। काफी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर से लेके, व्हाट्सएप लिंक से लेके, फेसबुक लिंक से लेके, सारी चीज आपको अवेलेबल है। फायदा ये होता है ना, बेस्ट रेट होता है तो अपने को सेटिस्फेक्शन होता है और जाने का मन करता है, बस वही बात है। यहाँ है ना 1,150 लोग फिलहाल मौजूद है ये शिप में, 1,600 लोग की कैपेसिटी है, और 400 लोग तो सिर्फ एक वेडिंग के लिए आए हैं। यहाँ पे वेडिंग होने वाली है कल, मतलब आज संगीत वगैरह होगा, कल वेडिंग होगी। तो 1,150 में से 400 लोग तो शादी के लोग है, जो मतलब शादी के लिए आए है। टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें लंच में, मतलब मैंने शूट नहीं करा है, मैं करूँगा, आपको भी सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी भी होगी अगर आप आते हो, और आपको लंच वगैरह में क्या मिल सकता है। फिलहाल मैंने ये लिया है हांगकॉन्ग फ्राइड राइस एंड हांगकॉन्ग नूडल्स। एक मिनट, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। तो अब चल रहा है फेज टू लंच का, और इसमें मैंने स्वीट मंगाया, थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ आई नो, बट ठीक है, अभी क्या ही दिक्कत है। गाजर का हलवा थोड़ा लिया है, एक वॉलनट डेजर्ट लिया है, और सेवैया लिया है, ये इसको इंजॉय करूँगा, फिर देखते हैं फेज थ्री किस तरफ हम मुड़ते हैं और क्या खाते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ, ये चॉकलेट वॉलनट जो है ना पेस्ट्री, बहुत यमी है, जिसकी वजह से मैंने कैमरा वापस चालू किया और वापस ये शूट करके आपको बताने की चाह रखी है मैंने। बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, बहुत शानदार है। और अब आते हैं फाइनल स्टेज पे लंच के, इसमें मैंने रोटी ली है, आलू जीरा लिया है, ग्रेटेड चीज़ लिया है, और अगेन दैट
ब्राउनी जो कि मेरे को बहुत टेस्टी लगी, और अनियंस लिए साइड में। तो ये फाइनल स्टेज है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरी थोड़ी भी भूख बचेगी, और बस ये फाइनल स्टेज है, एंजॉय कर रहा हूँ। सो फाइनली डन विद द लंच टुडे, एज ऑफ नाउ 2:30 बजे है और 2.5 ग्लास पानी भी पी लिया तो पेट एकदम फुल हो गया। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल कि कैसा है ना, डू नॉट वेस्ट फूड, ये साफ अक्षरों में लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। काफ़ी लोग पता नहीं क्या करते हैं, इतने समझदार है लोग, आई मीन 25-30 हज़ार रुपया खर्चा करके आते हैं फिर भी समझते क्यों नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा ये देखा है कि एक प्लेट में इतने सारे भर भर के ले लेते, उसके बाद आधा ऐसे ही झूठा छोड़ देते। अरे दोबारा लो, तिबारा लो, चौबारा लो, जितनी मर्जी चाहे धीरे धीरे लेके खाओ ना, लेकिन नहीं, फुल प्लेट भरेंगे फिर छोड़ेंगे वेस्ट, महान लोग। रूम्स वगैरह सारे जगह स्पीकर्स है जिससे अनाउंसमेंट सब जगह में जाता है। तो अनाउंसमेंट हुआ कि 15 मिनट में ड्रिलिंग चालू हो जाएगी, जिसका मतलब एक घंटे में क्रूज रवाना होती है, लेकिन वो ड्रिलिंग में सारे पैसेंजर्स को अटेंड करना पड़ता है। जैसे कि हर एक डेक्स लिखे हुए, डेक नंबर 5, 6, मेरा 5 नंबर है, तो यहाँ पे जो भी पैसेंजर्स है उनके साथ मेरे को खड़ा होना है। जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो रहता है, जैसे फ्लाइट्स में आपको पता है कि स्टार्टिंग में कैसे एयर होस्टेस जो समझाती है सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, बस उसी तरीके से यहाँ पे भी अटेंड होना पड़ता है, जो कि कुछ 5-10 मिनट्स का हार्डली सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स ये बताते हैं और वो आपको अटेंड करना पड़ता है। So how you wear a t-shirt, okay? T-shirt basically. You put it around. अभी ड्रिल पूरा ओवर हो गया, जिसकी वजह से हर जगह से पड़ा पड़ी है लोगों की, हर जगह से एग्जिट इतनी भीड़ दिखेगी, क्योंकि जितनी भी पब्लिक है शिप पे लगभग सारे ही लोग ये ड्रिल अटेंड करते हैं अलग अलग अपने पोजीशंस पे, ताकि के यू नो सेफ्टी एंड प्रिकॉशन समझ सके कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या हो सकता है। उस तरफ भी लिफ्ट है, ये इस तरफ लिफ्ट है और इस तरफ लिफ्ट है। अभी सब जाएंगे ऊपर, मेरे हिसाब से 10th फ्लोर पे वापस जाएंगे, क्योंकि इट्स टाइम फॉर हाई टी। वैसे भी भूख लगी है वापस। क्या नाम है? समीर नाइक। अच्छा, तो जनाब मिले समीर नायक, इन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले कि प्रतीक भाई, पहले नाम नहीं पहचान रहे थे, फिर इन्होंने याद किया, फिर ये वापस आए और उन्होंने कहा कि प्रतीक भाई अब पहचान लिया मैंने आपको। चलो शादी में आए हो या? नहीं। अच्छा ऐसे है। अच्छा, तो वैसे 5 बज गए हैं, तो मुझे लगा कि स्ट्रीट फूड चालू हो गया रहेगा, बिकॉज 4 से 5 के 5:30 स्ट्रीट फूड का टाइम था, लेकिन हाई टी ही चालू है, स्ट्रीट फूड चालू भी नहीं है, ड्रिल था जिसकी वजह से सब बिजी थे, ऊपर आए तो स्ट्रीट फूड है नहीं। खैर कोई नहीं, फिर भी मैंने लिया है 2 वेज सैंडविच के पीसेस और एक कुकी, बिकॉज चाय वगैरह से अभी पीता नहीं, मैंने सोचा कि हल्का सा यही खा लेता हूँ। और व्यू अच्छा लग रहा है बिकॉज सन अभी सेट हो रहा है और बस अभी कुछ समय के बाद रवाना हो जाएगी, तो ये व्यू को भी अलविदा कह देंगे, जिसमें ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, मुंबई, प्यारा सा मुंबई दिख रहा है। और मुझे होटल ताज वगैरह दिख रही थी नीचे से, तो अब पता नहीं यार ढूंढना पड़ेगा कहाँ। हाँ वो रही, वो होटल ताज नया वाला है बिल्डिंग, और वो पुराना वाला है, मतलब मेन ताजमहल पैलेस होटल वो है और न्यू ताज वो रहा। अभी वही, कल शादी है, आज सगाई है, तो फंक्शन चल रहा है, फुल हार्ड वाली एक्टिविटीज, एक दूसरे की तारीफ करने का शो, कौन जीतेगा ये देखो, इवेंट वाले को मानना पड़ता है कुछ भी बोलो। नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, कर दूं आसमां और जमीन। हम भी इंजॉय करेंगे, भले हम शादी में नहीं है, लेकिन पैसा देकर तो आए ना, इंजॉय तो करेंगे। क्या ठंडी हवा आ रही है, वाह, शाम होने को है, मतलब 5:15 बज गए और रवाना भी होने को है शिप, आधा घंटा मैक्स। तो
फाइनली रवाना हो गई है क्रूज, और 5 बजे का टाइम था, मैंने कहा था 6 बजे के आसपास रवाना होगी, और 6 में 8 मिनट का मतलब 5:52 को रवाना हुई है। और अच्छा लग रहा था बिकॉज कब से इंतजार कर रहा था कि कब ये रवाना होगी। इसका रीज़न है कि जैसे ये क्रूज रवाना हो रही है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अभी चालू हो जाएगी, जैसे कि कसिनोज, रॉक क्लाइंबिंग और भी बहुत जो भी है, थिएटर्स वगैरह जो भी है। क्रूज जब से स्टार्ट होती है तब से ही वो एक्टिविटीज़ चालू होती है, तो अभी ऐसा अच्छा लगेगा कि आपसे लेके परसों सुबह तक अभी इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है।